हेलो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.1 पार्ट थ्री। आज हम लोग एमए अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 13 टू 20 सॉल्व करेंगे और एक कॉन्सेप्ट इक्विलेंस क्लास का इसको समझेंगे समहाउ डायरेक्टली ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट कई क्वेश्चंस में इक्विलेंस क्लास आपसे पूछी गई है इक्विलेंस रिलेशन सेटिस्फाई कराई गई है पहले और उसके बाद इक्विलेंस क्लास पूछी गई है तो इक्वलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट वैसे तो बहुत डिटेल में है पर यहां पे हम आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत क्लियर करेंगे कि व्हाट इज इक्वलेंस क्लास और कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1.1 पार्ट वन में हम लोगों ने आपको रिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और इसके अलावा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जिसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट बताए और यह भी बताया कि अगर कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो इक्वलेंस रिलेशन कहलाती है और लेक्चर नंबर 1.1 पार्ट टू में इसी के ऊपर बेस्ड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के ऊपर बेस्ड एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 12 सॉल्व कराए क्वेश्चन नंबर 13 ऑन वर्ड भी इसके ऊपर बेस्ड है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के ऊपर बेस्ड है और उसमें इक्वलेंस क्लास भी है तो चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं इक्वलेंस क्लास तो देखिए कैसे डिफाइन किया हमने इक्वलेंस क्लास को आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन तो क्या है कंडीशन आपके पास कि आर आपके पास इक्वलेंस रिलेशन होनी चाहिए ओके इन दिस आर फ्रॉम ए टू ए है और रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांसिटिव है मीन्स इक्वलेंस रिलेशन है देन इक्वलेंस क्लास ऑफ ए अब ए में कोई हमारे पास एलिमेंट ए है इसका इक्वलेंस क्लास हमें फाइंड आउट करना है तो इसके इक्वलेंस क्लास को हम डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट ए से ए इन दिस ब्रैकेट और डिफाइन कैसे करते हैं देखिए जैसे यहां पे क्या डिफाइन कैसे करते हैं इसके अंदर एलिमेंट होंगे एक्स और वो एक्स क्या होंगे एक्स ए के ही एलिमेंट होंगे इस इस सेट के ही एलिमेंट होंगे और वो कौन से एलिमेंट होंगे ये एक्स इस तरह के एलिमेंट होंगे जो कि ए के साथ रिलेट करेंगे जिसका हमें इक्वलेंस क्लास निकालना है अंडर दिस रिलेशनशिप तो इस ए के साथ रिलेट होने वाले सारे एलिमेंट एक्स का जो कलेक्शन है वो इक्वलेंस क्लास होगा ओके okay? तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है और बहुत सिंपल है जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें देखिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन यहां पे हमें इक्वलेंस क्लास निकालना है जीरो का तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि इज एन इक्वलेंस रिलेशन और उसके बाद इक्वलेंस क्लास निकालनी है जीरो की तो देखिए बहुत सिंपल है कि रिलेशन आर हमारे पास गिवन है ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट ए बी और ए बी कैसे डिफाइंड है रिलेशन क्या है कि ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय टू और ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर सबसे फर्स्ट इसकी रिफ्लेक्सिव कंडीशन देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए क्या होता है ए कॉमा ए हम लोग देखते हैं मींस यहां पर मैंने बताया था आपको कि बी की जगह पे ए पुट करिए तो ए प्लस ए दिस इज इक्वल टू टू ए मल्टीपल ऑफ टू ए तो बिलोंग कर रहा है इंटीजर को पर यहां पे मल्टीपल ऑफ टू है तो मल्टीपल ऑफ टू है इट मींस कि ये ए प्लस ए हमेशा डिविजिबल होगा टू से इज ऑलवेज डिविजिबल बाय टू ये हमें अपने प्रसेप्शन से देखना है दिस इंप्लाइज ए प्लस ए इज डिविजिबल बाय टू मीन्स ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव देखिए कितना सिंपल है वही सारे स्टेप्स हैं सेम रिपीट करने हैं स्टेप्स को तो इन स्टेप्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये जो दो तीन हम लोगों ने स्टेप्स आपको बताए जो लैंग्वेज मैथमेटिकल यूज करी है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा सेकेंड आता है हमारे पास सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर और प्रूव करते हैं कि बी ए भी आर को बिलोंग करेगा ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय टू एंड दिस इंप्लाइज बी प्लस ए इज डिविजिबल बाय टू क्लियर है हमारे एलजेबरा की प्रॉपर्टी से कि अगर ए प्लस बी डिविजिबल है टू से तो बी प्लस ए भी डिविजिबल होगा टू से और अगर बी प्लस ए डिविजिबल है टू से तो इसे हम लिखेंगे बी ए बिलोंग्स टू आर क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई टू बी प्लस ए इज डिविजिबल बाई टू मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर मीन्स दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिटिव हमने एज्यूम किया बिलोंग्स टू आर मींस इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट इस तरह से लेते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए तो ए बी बिलोंग्स टू आर मींस ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय टू बी सी बिलोंग्स टू आर मींस बी प्लस सी इज डिविजिबल बाय टू अगर ए प्लस बी और बी प्लस सी डिविजिबल है टू से तो हम ए प्लस बी को लिख सकते हैं टू एम एंड बी प्लस सी को लिख सकते हैं टू एम से तो मीन्स अगर हम इन दोनों को एड कर दें ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइज ऑफ एम प्लस एन हो गया एंड दिस इंप्लाइज ए प्लस ट्वाइज ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइज ऑफ एम प्लस एन दिस इंप्लाइज ए प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइज ऑफ एम प्लस एन माइनस टू बी एंड दिस इंप्लाइज ए प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइज ऑफ एम प्लस एन माइनस अब देखिए एम और एन तो आपके कॉन्स्टेंट है बी आपका वेरिएबल है बी बिलोंग्स टू इंटीजर है अब क्या होगा जब ये कॉन्स्टेंट है ये तो कॉन्स्टेंट है सपोज टू और थ्री है टू प्लस थ्री अब बी जो है आपका वेरी करेगा ये वन भी हो सकता है ये टू भी हो सकता है थ्री भी हो सकता है तो कुछ भी हो ये एम प्लस एन माइनस बी तो इंटीजर ही होगा ये पूरा का पूरा इंटीजर होगा और ये इंटीजर टू से मल्टीप्लाई है मींस ए प्लस सी क्या होगा इज डिविजिबल बाय टू होगा दिस इंप्लाइज ए प्लस सी इज डिविजिबल बाय टू एंड दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर अब ए सी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांसिटिव तो ये तो हो गया हमारे पास कि तीनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी कि दिस इंप्लाइज आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन तो अगर आर आपके पास इक्वलेंस रिलेशन है तो हमें यहां पे निकालना है इक्वलेंस क्लास ऑफ जीरो हम डिनोट करते हैं बिग ब्रैकेट जीरो से और बाय डेफिनेशन क्या था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यहां पे इंटीजर है ए की जगह पे और क्या था एक्टर एक्स आर ए मींस एक्स का कलेक्शन जो कि ए के साथ रिलेट कर रहा है अंडर दिस रिलेशन और यहां पे अगर हम बात करें कि यहां पे आपके पास रिलेशन क्या है अगर हम ए आर बी की बात करें तो रिलेशन है ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय टू यहां पे ए की जगह पे जीरो है ये जीरो कर देते हैं तो एक्स एक्स आर जीरो क्या होगी ये होगी एक्स प्लस जीरो इज डिविजिबल बाय टू तो अब आपको वो एक्स लेने हैं वो एक्स का कलेक्शन लेने हैं जिनका जीरो के साथ सम करने पे डिविजिबल आए टू से तो क्या होगा वो अब अगर हम लोग इक्वलेंस क्लास की बात करें जीरो की ये आपका रफ वर्क है सिर्फ समझने के लिए क्या होगा अब हमारे पास x क्या है x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है मीन्स आपके पास माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर ये है अब इसमें से चेक कर लीजिए माइनस फोर प्लस जीरो इसमें एक्स की वैल्यू माइनस फोर रखिये माइनस फोर प्लस जीरो माइनस फोर डिविजिबल है टू से यस yes, तो ये आ जाएगा माइनस फोर माइनस फोर से पहले माइनस फाइव माइनस सिक्स के लिए भी चेक करेंगे फिर माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस जीरो इज माइनस थ्री नॉट डिविजिबल बाय टू छोड़ देंगे माइनस टू माइनस टू प्लस जीरो इज माइनस टू डिविजिबल बाय टू यस तो माइनस टू आ जाएगा माइनस वन माइनस वन प्लस जीरो इज माइनस वन माइनस वन प्लस जीरो इज माइनस वन नॉट डिविजिबल बाय टू छोड़ देंगे जीरो प्लस जीरो जीरो नॉट डिजिबल टू प्लस जीरो टू आ जाएगा थ्री प्लस जीरो नो फोर प्लस जीरो फोर आ जाएगा एंड सो ऑन तो दिस इज योर इक्वल क्लास ऑफ जीरो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कहता है कि प्रूफ दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस अब आपके पास सेट ए जो है वो तो सिंपल फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन है और रिलेशन आर आपके पास है ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू तो हमें यहां पे इक्वलेंस रिलेशन देखनी है एंड फाइंड ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू एलिमेंट सिक्स मींस इक्वलेंस क्लास ऑफ सिक्स हम लोगों को फाइंड आउट करनी है ओके okay? तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिफ्लेक्सिव देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या स्टेटस है, है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम लोग यहां पर बी की जगह पे ए करके देखते हैं मॉड ऑफ ए माइनस ए अगर हम इसको देखें तो ये तो जीरो होगा और जीरो इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय टू दिस इंप्लाइज ए ए बिलोंग करेगा आर को हमेशा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव देखिए बार बार बोल रहे हैं आप लैंग्वेज पकड़ के चलिए इसमें लैंग्वेज के भी मार्क्स हैं आपको आता है ये एक अलग चीज है बट उसे लिखना आता है कि नहीं आता है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा तो इन क्वेश्चन को स्किप मत करिए कुछ क्वेश्चन को लिख के उसकी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर लीजिए अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक तो देखिए वही सेम लैंग्वेज है जो हमने यूज करी पहले तो हम लोग इसके लिए एज्यूम कर लेंगे कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर बाय डेफिनेशन मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू अब प्रिसेप्शन से अपने एलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगा की मॉड ए माइनस बी अगर डिविजिबल है टू से तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी डिविजिबल होगा टू से मॉड में सिर्फ प्लस माइनस का ही तो फर्क रहता है एंड दिस इंप्लाइज इसकी डेफिनेशन से बी ए बिलोंग्स टू आर तो हमने ए बी बिलोंग्स टू आर लिया और बी ए बिलोंग्स टू आर प्रूफ कर दिया मीनस आर एस इसी तरह से हम ट्रांजेटिव कंडीशन प्रूफ करेंगे सेम इसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने दो एलिमेंट लिए सी बिलोंग्स टू आर बाय डेफिनेशन मॉड ऑफ ए माइनस बी मॉड ऑफ बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय टू होगा मॉड ऑफ ए माइनस बी मान लीजिए आपके पास है माइनस फोर आ गया माइनस फोर का मॉड फोर है तो ये माइनस फोर हो या फिर माइनस फोर हो या माइनस फोर उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा दोनों के दोनों आपके पास डिविजिबल होंगे टू से मींस अगर हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो साइन से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है और मॉडुलस हमेशा सिर्फ साइन के ऊपर मैटर करता है मॉडुलस से सिर्फ साइन फर्क पड़ता है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर है टू से, तो भी डिविजिबल होगा टू से, अगर है और इन दोनों का भी डिविजिबल होगा टू से, अगर दो नंबर डिविजिबल है टू से तो उनका ए माइनस सी डिविजिबल है तो उनका मॉडल भी डिविजिबल होगा मान लीजिए ए माइनस सी को डिवाइड करते हैं टू से और हमें मिलता है माइनस फोर तो मॉड ऑफ ए माइनस सी को जब डिवाइड करेंगे टू से तो हमें मिलेगा प्लस फोर डिविजिबिलिटी तो चेक हो ही रही है मॉडुलस से जैसे बार बार बता रहे हैं सिर्फ फर्क साइन का पड़ता है तो और यहां पे हमारे पास साइन मैटर नहीं कर रहा है हमें सिर्फ रिलेशन में डिविजिबिलिटी देखनी है तो दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर एंड दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव एंड दिस इंप्लाइज आर इज एन इक्वल रिलेशन अब अगर आर आपके पास इक्वलेंस रिलेशन है तो आपको निकालना है एलिमेंट रिलेटेड टू सिक्स एलिमेंट रिलेटेड टू सिक्स की अगर हम बात करें तो बाय डेफिनेशन क्या होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और ए हमारे पास क्या था ए हमारे पास था फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन इसे याद रखिएगा कॉमा एक्स आर ए मीन एक्स आर और ए है सिक्स और अगर हम यहां पे x आर सिक्स को डिफाइन करें तो यहां पे क्या आएगा कि मोड ऑफ x माइनस सिक्स इज डिविजिबल बाय टू तो मींस ऐसे x जिसको r के साथ रिलेट करने सिक्स के साथ रिलेट करने पे डिविजिबल हो जाए टू से उनका कलेक्शन आपका ये इक्वलेंस क्लास होगा सिक्स का अब देखते हैं ये वाली कंडीशन किन-किन x के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो यहां पे आपके पास इक्विलेंस क्लास ऑफ़ 6 क्या होगी देखिए, आपके पास है 5, तो जब 5 माइनस 6 रखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 2, 6 रखेंगे मॉड ऑफ़ 6 माइनस 6, यहां पे 6 रखिए 6 माइनस 6 इज 0, डिविजिबल बाय 2, तो 6 आएगा, 7 माइनस 6 नो एट माइनस सिक्स यस तो एट माइनस सिक्स इज टू टू इज डिविजिबल बाय तो एट आएगा नाइन माइनस सिक्स थ्री नॉट डिविजिबल बाय टू तो ये आपके पास इक्वल क्लास ऑफ सिक्स हो गई क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कहता है गिवेन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव हम हमें अपने आप ही एक एग्जांपल बनाना है तो इन जर्नल हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू वन टू एंड थ्री यही हम लोग एग्जाम्पल शुरू से लेते चले आ रहे और आर आपके पास रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए ओके तो इस रिलेशन आर में आपके पास एलिमेंट क्या होंगे देखिए वन कॉमा टू वन कॉमा थ्री टू कॉमा वन टू कॉमा टू टू कॉमा थ्री थ्री कॉमा वन थ्री कॉमा टू एंड थ्री कॉमा थ्री ये तो सारे इसके एलिमेंट्स होंगे अब हमें वो रिलेशंस देखनी है जो कि ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो अगर हम इसमें फर्स्ट लें, देखिए कि सिमेट्रिक लेकिन थ्री थ्री तीनों होने चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन होती है देखिए आइडेंटिटी रिलेशन ध्यान रखिएगा ये आगे क्वेश्चन में भी आएंगे कि जो ये आइडेंटिटी रिलेशन होती है फ्रॉम ए टू ए यहां पे ए आपके पास वन टू थ्री है तो ये आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन होगी और यही रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव होती है सिमेट्रिक होती है और ट्रांजिटिव होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये तो है ही है इसके अलावा रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ये एलिमेंट तो होने ही चाहिए पर इसके अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं वन कॉमा टू भी हो सकता है तो अगर वन कॉमर टू इसके साथ एड ऑन हो गया तो क्या होगा ये रिफ्लेक्सिव होगी पर उस केस में आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी ओके okay? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमें सिमेट्रिक लेनी है रिलेशन तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए आपके पास सिमेट्रिक के लिए वन टू होना चाहिए और टू वन होना चाहिए तो हम लोग ले लेते हैं वन टू और टू वन सिमेट्रिक हो गई रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए तो रिफ्लेक्सिव ये है भी नहीं देखिए वन वन टू टू थ्री थ्री नहीं है नॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव भी नहीं होनी चाहिए पर अभी ये ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव के लिए क्या था आपके पास ट्रांजिटिव के लिए था कि ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए यहां पे देखें तो टू कॉमा टू यहां पे आ रहा है वन टू टू वन 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 डज नॉट बिलोंग टू आर वन वन आर को बिलोंग नहीं कर रहा इट मीन दिस इज नॉट ट्रांजेटिव तो यह आपके पास जो रिलेशन है दिस इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजेटिव इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होंगी बहुत सारी रिलेशन ऐसी होंगी जो कि जो कि सिमेट्रिक होंगी बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव देख लेते हैं चलिए एक और देखते हैं अब ये तो उस समय माइंड में आने वाली बात है कि क्या चीज आपके में आती है वन टू वन थ्री लेते हैं तो वन टू के साथ टू वन होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए वन थ्री के साथ थ्री वन होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए हमने टू थ्री भी ले लिया टू थ्री के साथ थ्री टू भी आ गया अब देखिए ये सिमेट्रिक है रिफ्लेक्सिव नहीं है क्यों क्योंकि वन वन टू टू थ्री थ्री नहीं है

स्क्वायर माइनस एन ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें मिलती है तो सेकेंड है ट्रांसिटिव बट रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए तो अगर हम लोग इसमें वन टू और टू वन ले लें तो क्या हुआ देखिए कि इस ये और ये तो यहां से ये सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ को कर रहा है तो वन कॉमा वन भी होना चाहिए तो वन कॉमा वन भी लेने पड़ेगा तभी ट्रांजिटिव होगी और टू वन अगर हम इसको इसके साथ लें तो टू वन और वन टू तो टू टू भी होना चाहिए टू टू भी हो गया तो अब ये कंडीशन सिम आपके पास ट्रांजिटिव तो हो गई और रिफ्लेक्सिव नहीं है क्यों क्योंकि थ्री थ्री नहीं है पर क्या सिमेट्रिक नहीं है ये पर यहां पर तो सिमेट्रिक आ रही है क्यों क्योंकि अगर आप यहां पे देखें तो वन टू है टू वन है सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वन वन सिमेट्रिक को सेटिस्फाई करता है टू टू भी करता है तो मीन्स ये सिमेट्रिक आ रही है तो मींस अभी हमें यहां पे सिमेट्रिसिटी को रिमूव करना है तो सिमेट्रिसिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं एक और एलिमेंट ले लेते हैं से वन कॉमा थ्री ले लिया अब देखते हैं वन कॉमा थ्री को हम किसके साथ रिलेट करें वन कॉमा थ्री लिया है तो और भी एलिमेंट आएंगे क्योंकि हमें ट्रांसिटिविटी शो करनी है तो वन कॉमा थ्री थ्री यहां पे कहीं पे भी फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो वन कॉमा थ्री के साथ एलिमेंट तो रिलेट नहीं कर रहा है पर ये 1.3 से पहले कोई एलिमेंट है ये 1, ये वाला एलिमेंट एक तो रिलेट करेगा एक एलिमेंट ये रिलेट करेगा तो टू वन वन थ्री तो टू थ्री होना चाहिए तो टू थ्री ले लेते हैं वन 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 थ्री वन 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 थ्री वन थ्री ऑलरेडी यही एलिमेंट है अब टू थ्री के लिए देखते हैं टू थ्री के लिए स्टार्टिंग वाला पॉइंट टू जो है ये यह पे आ रहा वन टू और टू थ्री तो वन थ्री है वन थ्री यहां पे आपने ले लिया ये आपके पास टू से जो स्टार्ट हो रहा है यहां पे टू का सेकंड एलिमेंट ये है टू टू और टू थ्री तो टू थ्री ऑलरेडी ये है आपके पास अब इसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट एज्यूम करते हैं तो टू थ्री और थ्री से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है तो अब आपके पास जाकर यह रिलेशन ऐसी हो गई है जो कि ट्रांजिटिव तो है ट्रांजिटिव तो है इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ट्रांजिटिव तो है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है क्यों क्योंकि थ्री थ्री नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है क्यों क्योंकि वन थ्री है पर थ्री वन नहीं है ओके okay? अब इसी तरह से थर्ड देखते हैं अब ये सब चीजें आपको बनानी पड़ेंगी सिमेट्रिक होना चाहिए ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो अगर आप यहां से ध्यान दें तो ये वाला जो पार्ट था आपके पास ये सिमेट्रिक भी था ट्रांजिटिव भी था और रिफ्लेक्सिव नहीं था तो अगर आप यहां देखें वन टू टू वन ये सिमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव नहीं हुआ ट्रांजिटिव करना है आपको तो ट्रांजिटिव करने के लिए टू टू के साथ वन वन लेके आना पड़ेगा और इसको पहले लें और इसको सेकंड लें तो टू वन वन टू मींस टू टू होना चाहिए अब देखिए ये सिमेट्रिक भी भी है है और ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव नहीं है तो थर्ड हो गया आपका अब फोर्थ पार्ट आता है इसका कि सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए तो पहले रिफ्लेक्सिव लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए वन वन टू टू और थ्री थ्री तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया ये आइडेंटिटी रिलेशन है और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होती है सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है अगर हमें ये तीनों दिखानी है तो हम यही यहीं पे बंद कर देंगे पर अभी हमें हमारे पास क्या है हमें नॉट ट्रांजिटिव दिखाना है तो नॉट ट्रांजिटिव के लिए हम लोग एक ले लेते हैं वन टू और एक ले लेते हैं टू थ्री तो देखिए वन टू टू थ्री वन थ्री पार्ट नहीं है और वन टू है और सिमेट्रिक के लिए टू वन भी लेना पड़ेगा टू थ्री है तो सिमेट्रिक के लिए थ्री टू भी लेना पड़ेगा पर ट्रांजेटिव नहीं है क्योंकि वन थ्री नहीं है तो इट मींस दिस इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसलिए क्योंकि ये तीनों इसमें है सिमेट्रिक क्योंकि वन टू है टू वन है टू थ्री है थ्री टू है ट्रांजेटिव नहीं है क्योंकि वन टू और टू थ्री है वन थ्री नहीं है ओके okay? तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए फिफ्थ पार्ट है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव मींस आपके पास वन वन टू टू और थ्री थ्री ये आ गया रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग ले लेते हैं वन टू और टू थ्री और वन टू और टू थ्री के साथ वन थ्री और ले लेते हैं वन टू और टू थ्री के साथ वन थ्री हमने और ले लिया अब देखिए अब वन टू और टू टू तो वन टू ही देंगे आपको वन टू ऑलरेडी है टू थ्री और थ्री थ्री ये आपको टू थ्री ही देंगे वो ऑलरेडी आपके पास है और दिस वन टू और टू थ्री ये आपके पास वन थ्री दे रहा है तो मींस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक ओके इसी में देखिए मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत सारी रिलेशन हो सकती थी इसी में आप इसे यहां पे भी छोड़ सकते थे वन वन टू टू थ्री थ्री और एक ले लेते वन टू अब देखिए ये भी यही है कि रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है नॉट सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है देखिए यहां पे क्लियर दिखाई दे रहा है ट्रांजिटिव के लिए वन टू और टू टू वन टू मिलेगा वन टू 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 वन टू मिलना चाहिए मिल रहा है अब इस वन टू को हम यहां पे ले लेते हैं तो सेकंड वाला एलिमेंट वन टू का हो जाएगा यहां पे ऐसा एलिमेंट होना चाहिए हो। और यहां पे हमारे पास one one है तो one one, one क्या देना चाहिए ये वन टू देना चाहिए है यस yes, ये है तो इट मींस आपके पास ये ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है क्यों क्योंकि वन टू है टू वन नहीं है तो बहुत सारे आपके पास रिलेशन हो सकते हैं तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ओके तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं

तो देखिए वन टू टू थ्री वन थ्री यहां पे ट्रांसिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है रिफ्लेक्सिव है नो वन वन टू टू थ्री थ्री नहीं है सिमेट्रिक है नो वन टू है टू वन नहीं है ओके पर यहां पे आपके पास क्या हो गया वन टू टू थ्री वन थ्री हो गया हमारे पास यहां पे ए, बी सी है तो इसे हम ए बी सी की फॉर्म में ले लेते हैं कि ए बी बी सी और सी या फिर इसी को हम लोग और ले सकते हैं देखिए ए ए ले लीजिए और एक ले लीजिए ए बी ये भी क्या है देखिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि बी बी और सी सी नहीं है सीमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि ए बी है पर बी ए नहीं है ट्रांजिटिव के लिए देखिए तो ए ए यहां से आ रहा है ए बी है यस है तो ये आपके पास नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव है सेकेंड देखते हैं नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले तो हम ए ए बी बी और सीसी ले लेते हैं अब हमें क्या बताना ना इधर सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक नहीं है मीनस हमने ले लिया ए बी और बी ए नहीं लिया तो सिमेट्रिक नहीं हुआ ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए देखें अगर हम ए बी के साथ यहां पर बीसी ले लें और एसी ना ले एसी ना ले तो क्या होगा ये ट्रांजिटिव नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया A, B है, B, A नहीं है सिमेट्रिक भी नॉन सिमेट्रिक हो गया ए बी बी सी के साथ ए सी नहीं है तो ट्रांजेटिव नहीं रहा okay? अब इसके बाद आता है हमारे पास, symmetric. Symmetric है हमारे पास. तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं ए बी ले लेते हैं और बी ए ले ले लेते हैं अब क्या है रिफ्लेक्सिव तो यह है नहीं क्योंकि ए ए बीबीसी तीनों नहीं है सिमेट्रिक देख लीजिए ए बी बी ए तो ये ए ए आना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए तो ट्रांजिटिव भी नहीं है क्यों क्योंकि ए ए नहीं है तो दिस मीनस दिस इज नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक ओके okay? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि शो दैट द रिलेशन एस इन द सेट ए इस बार आपके पास जो सेट ए है वो एक्स एलिमेंट है और एक्स क्या है जेड इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व मींस अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जीरो वन टू थ्री ट्वेल्व ये है ओके okay. और रिलेशन एस क्या है रिलेशन एस में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है देखिए इसे हम इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है और जब लिखते हैं तो समझ में भी आ जाता है और ए भी क्या कर रहा है ए को बिलोंग कर रहा है और किस तरह से डिफाइन है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय फोर तो इसी तरह का हमने क्वेश्चन प्रीवियस भी कर चुके हैं इस बार सिर्फ फर्क यह है कि ए में आपके पास जीरो से लेकर ट्वेल्व एलिमेंट है तो हमें बताना है कि इक्वलेंस रिलेशन है बहुत ईजी है और सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन मीन्स इक्वलेंस क्लास ऑफ वन फाइंड आउट करना है ओके तो सबसे पहले हम इसके इक्वलेंस रिलेशन देखते हैं उसके लिए रिफ्लेक्सिव ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी तो देखिए बहुत सिंपल है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही किया देखिए लैंग्वेज बार बार कह रहा हूं लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा और हम लोग इस तरह से बता रहे हैं आपको कि सारे नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाए आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स बना लीजिए जब लिखेंगे तभी प्रैक्टिस होगा तो रिफ्लेक्सिव के लिए वही सेम हम यहां पर बी की जगह पे ए पुट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मॉड ए माइनस ए जीरो होगा जीरो डिविजिबल है बाय फोर ये हमें पता है हमने लिख दिया और चूंकि डिविजिबल है फोर से इसीलिए ए ए बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए तो रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय फोर दिस इंप्लाइज ये बाय परसेप्शन है हमारा हमें एलजेब्रा की प्रॉपर्टी बी ए बिलोंग्स टू आर आर सिमेट्रिक हो गया आर को बिलोंग कर रहा है मींस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय फोर मॉडल से सिर्फ साइन में फर्क पड़ता है और किसी चीज में फर्क नहीं पड़ता डिविजिबिलिटी चेक वैसे ही होगा और हमारे पास साइन से हमें यहां पे कोई मतलब नहीं है सिर्फ हमें डिविजिबिलिटी देखनी है तो इसका ए माइनस बी बी माइनस सी भी एड कर दिया मीन ए माइनस सी फोर से डिविजिबल होगा ए माइनस सी डिविजिबल होगा फोर से तो मॉडलस भी उसका फोर से डिविजिबल होगा ए सी बिलोंग्स टू अ ट्रांटिव मीन इक्वलेंस रिलेशन ओके अब हमें इसका निकालना था एलिमेंट रिलेटेड टू वन हमें एलिमेंट रिलेटेड टू वन निकालना है तो वो हम लोग लिखते थे ऐसे और बाय डेफिनेशन क्या होगा x सच दैट x a को बिलोंग करेगा और x r वन x r वन को यहां पे लिख लीजिए इससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा एक्स आर वन क्या होगा एक्स आर वन होगा मोड ऑफ एक्स माइनस वन इज डिविजिबल बाय फोर अब देख लीजिए आपके पास और ए है क्या ए आपके पास है जीरो वन टू ट्वेल्व ओके okay, अब इस एक्स की वैल्यू यहां पे जीरो वन टू थ्री फोर यहां पे इस एक्स की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर करके देखिए मॉड एक्स माइनस वन जो किस किस के लिए ऐसी वैल्यू मिल रही है एक्स की जिसके लिए मॉडल माइनस वन डिविजिबल है फोर से उन्हीं का कलेक्शन आपके पास एलिमेंट रिलेटेड टू वन है तो क्या हो जाएंगे देखिए जीरो माइनस वन नॉट डिविजिबल बाय फोर वन yes. माइनस वन यस टू माइनस वन नो थ्री माइनस वन नो फोर माइनस वन नो फाइव माइनस वन यस yes. सिक्स माइनस वन नो सेवन माइनस वन नो एट माइनस वन नो नाइन माइनस वन यस टेन माइनस वन इलेवन माइनस वन नो ट्वेल्व माइनस वन नो तो मीन्स और जीरो टू ट्वेल्व भी हमें चेक करने मीन वन फाइव एंड नाइन दिस इज द एलिमेंट रिलेटेड टू वन ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ए इस बार क्या है अब देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म है एस बिलोंग्सू होलो टू अ मल्टीपल ऑफ इक्वल रिलेशन बतानी है एंड सेट ऑफ एल ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू टू तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ये आपके पास तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए मॉड ऑफ ए माइनस ए चेक करते हैं जीरो एंड इज डिविजिबल बाय फाइव दिस इंप्लाइज ए ए बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज फॉर ऑल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजेटिव भी इसी तरह से कर लेते हैं था हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव कर दिया सिमेट्रिक सेम माइनस बी इज मट्टीपल ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ फाइव मॉड ऑफ बी माइनस ए मल्टीपल ऑफ फाइव बी ए लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे कि मॉड ऑफ ए माइनस बी मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ फाइव सिंस हम लोगों को सिर्फ मल्टीप्लीसिटी चेक करनी है साइन से कोई मतलब नहीं है इसलिए यहाँ पे मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ फाइव होगा तो ए माइनस बी भी मल्टीपल ऑफ फाइव होगा ध्यान रखिएगा तो इनका सम भी मल्टीपल ऑफ फाइव होगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ फाइव और ए माइनस सी अगर फाइव का मल्टीपल है तो उसका मॉडल भी मल्टीपल ऑफ फाइव होगा सिर्फ साइन पे फर्क पड़ेगा साइन हमारे पास यहां पे मैटर नहीं करता तो ए सी बिलोंग्स टू आर आर इज ट्रांसटिव मीन आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन ओके अब हमारे पास यहाँ पे क्या था कि एलिमेंट रिलेटेड टू टू हमें ये निकालना है एलिमेंट रिलेटेड टू टू और ए जो है जीरो टू सेवनटीन है देखिए ए आपके पास यहाँ पे जीरो सेवनटीन है और एलिमेंट रिलेटेड टू टू निकालना है और बाय डेफिनेशन एक्स सच बिलोंग्स ए एंड एक्स आर टू होना चाहिए और यहां पे आप लिख लीजिए एक्स आर टू क्या है एक्स आर टू होगा आपके पास मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ फाइव तो यहां पे आपके पास ये तो आपने सिंपल अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लिया अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है तो इक्वलेंस क्लास ऑफ टू क्या हो जाएगा अब जीरो से लेंगे? इस लेंगे. तो जीरो नो वन माइनस टू नो टू माइनस टू यस टू आ गया पहला एलिमेंट थ्री माइनस टू नो फोर माइनस टू नो फाइव दूसरा आ जाएगा सेवन डायरेक्ट कर देते सेवन माइनस टू फाइव देन 12 माइनस टू इज टेन देवनटीन माइनस टू इज 15. तो ये 2, 7, 12 एंड 17 आर द क्लास ऑफ एलिमेंट 2. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास आर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी तो बड़ा क्लियर है सेकंड पार्ट के लिए देखिए सिमेट्रिक होगा क्योंकि ए इज इक्वल टू ए रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ए इज इक्वल टू ए ऑलवेज होता है ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए भी होगा तो सिमेट्रिक भी होगा ये अब आप लैंग्वेज खुद लिखिएगा ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू सी तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू सी होगा तो ट्रांजिटिव भी होगा ओके okay? तो ये आपके पास इक्वलेंस क्लास इक्वलेंस रिलेशन तो आपने प्रूव कर दी अब आपको टू से रिलेटेड एलिमेंट देखने तो टू से रिलेटेड एलिमेंट अब हम डायरेक्ट यहां पर कर रहे हैं आपके पास एक्स आर एक्स दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स आर टू इस बार एक्स आर टू कैसे डिफाइंड है एक्स आर टू कैसे डिफाइंड है कि एक्स इज इक्वल टू टू तो एक्स इज इक्वल टू टू में तो आपको पता ही है कि टू से जो रिलेट करेगा वो कौन कौन सा होगा वह आपके पास सिर्फ एलिमेंट टू ही होगा ओके okay? आपको यह एक्स

और उसमें जो रिलेशन आर में जो एलिमेंट थे वो थे ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए आर बी यही था अब देखिए क्या है यहां पे. इसे थोड़ा सा ये एक्सटेंशन है यहां पे इस ए की जगह पे हमारे पास ए क्रॉस ए है और इस ए क्रॉस ए ऑर्डर्ड पेयर की जगह हमारे पास ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए है यहां पे जो रिलेशन आर है वो फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए है मींस ये जो एलिमेंट यहां पे था ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट था ये खुद ऑर्डर्ड पेयर है मींस जो यहां पे आपके पास रिलेशन आर है इसके अंदर जो एलिमेंट है इसका फर्स्ट एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर है ए बी है और सेकेंड एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर है मीन्स सी डी है ये ऑर्डर पेयर है देखिए फिर से बता रहा हूं यहां पे आपके पास जो ये एलिमेंट का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए है इसकी जगह ऑर्डर पेयर ए बी है जो ये सेकंड एलिमेंट बी है इसकी जगह भी ऑर्डर पेयर सी डी है और ये पूरा का पूरा ऑर्डर पेयर है और उसमें क्या था जैसे यहां पर ए बी बिलोंग्स टू ए था यहां पर क्या है ए बी ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए है और ये जो रिलेशन थी ये रिलेशन कैसी है कि ये जो a की जगह तो a भी है r b की जगह cd है ये कैसे रिलेट हो रही है दिस इंप्लाइज कि जो ये फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट है a plus d is equal to b plus c तो सिर्फ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस a से a क्रॉस a में जो लिया गया है ये मान के चलिए कि ये एक नेक्स्ट फेस में आपको लेके चला गया ओके okay? तो वो चीज यहां पर है हमारे पास तो चलिए अब देखते हैं कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ए बी आर सी डी इंप्लाइज दैट रिलेशन ए बी आर सी डी ये किस तरह से डिफाइंड है दिस इंप्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी ऑन ए क्रॉस ए देखिए ऑन ए क्रॉस ए वेयर ए इज इक्वल टू ए क्या है वन टू थ्री टेन है इज एन इक्वलेंस रिलेशन ये इक्वलेंस रिलेशन है और इसके बाद हमें इसकी इक्वलेंस क्लास भी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके रिफ्लेक्सिव की बात करें कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है उसके लिए देखिए हम ए आर ए लेते हैं तो अगर हम ए बी आर ए बी ले लें ए ए नहीं लेंगे यहां पे देखिए ये एलिमेंट इस एलिमेंट के हम वहां पे लेते थे ए ए बिलोंग्स टू आर ए बिलोंग्स टू आर मीनस ए आर ए मीन्स ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए और यहां पे भी देखिए सेम है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है ओके तो वही चीज हम लोग यहां पे कर रहे हैं सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पे आपके पास सिंगल एलिमेंट की जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जगह इट सेल्फ ऑर्डर पेयर है जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो अगर हम इसको देखें दिस इंप्लाइज ए प्लस बी जो ये डेफिनेशन है फर्स्ट और फोर्थ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए यह होता है यस इज ट्रू और अगर ये ट्रू है इट मींस ए बी आर ए बी होगा मींस दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव आर क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा ओके okay? अब इसी तरह से अगर हम लोग इसका सेकेंड देखें सिमेट्रिक के लिए कि लेट ए बी आर सी डी हम दो एलिमेंट लेते थे ना कि ए बी बिलोंग्स टू आर इसका मतलब होता था ए आर बी और हम प्रूव करते थे कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर या फिर कहें बी आर ओके तो अब हम लोगों ने ये वाली फॉर्म ली है ये वाली फॉर्म इसकी जगह ये वाली फॉर्म ली है कि इस फॉर्म को लेने का फायदा इस फॉर्म को लेने का फायदा ये कि अगर हम इसको लेंगे तो अननेसेसरली कंफ्यूजन होगा हमें क्या लिखना पड़ेगा ए बी कॉमा सीडी अब आप इसे कंफ्यूज होते रहेंगे कि सर ये सेट है कि ऑर्डर्ड पेयर है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट खुद ऑर्डर्ड पेयर है इसलिए हमने ये इस फॉर्म में ले लिया ओके okay? तो ए बी आर सीडी को हम लोग अज्यूम करेंगे और प्रूव करेंगे कि सीडी आर ए बी भी होगा तो दिस इंप्लाइज अगर हम इसकी डेफिनेशन से देखें तो ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा हमें प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है सी डी आर ए बी ये हमें प्रूफ करना है जो प्रूफ करना है वो भी देख लीजिएगा और उसे लिख लीजिए जिससे आपको इससे वो चीज निकालना कन्वीनियंट हो जाए तो हमें इसके लिए क्या मिलना चाहिए था मिलना चाहिए था सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए तो क्या हम इसको इस इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं देखिए बी प्लस सी है तो इसे हमने लिख दिया सी प्लस बी इज इक्वल टू d plus a है a plus d को हमने लिख दिया d plus a this implies and this implies c d r a b तो हमने क्या लिया था a b r c d लिया था c d r a b प्रूफ कर दिया this implies r S symmetric देखिए क्वेश्चन सिंपल है क्वेश्चन में दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा इसका जो रिप्रेजेंटेशन है जो इसका फॉर्म है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली कर कर रही है जहां पे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हुआ करता था उसका फर्स्ट एलिमेंट था सेकंड एलिमेंट था इस इस ऑर्डर्ड पेयर का अब इस बार फिर से बता रहे हैं ये जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है ये खुद ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज करता है अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है थर्ड है हम लोगों को ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना पड़ता था हम एज्यूम करते थे कि ए बी यही तो देखिए वहां पे क्या करते थे वहां लेते थे ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर प्रूफ करते थे तो ए बी बिलोंग्स टू आर मीन ए आर बी बी आर सी लेते थे और ए आर सी प्रूफ करते थे ओके अब क्या ले लिया हमने ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ अब हमें प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है ए बी वल टू डी प्लस दिस इंप्लाइज अब इनको और इसको एड कर दीजिए तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई दिस इंप्लाइज अब देखिए सी इधर भी है इधर भी, है, इधर भी है, आपके पास लेफ्ट हैंड डी भी है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में तो ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई अब आपको प्रूफ क्या करना है प्रूफ करना है ए बी आर ई एफ देखिए अब जो प्रूफ करना है उसे देख लेते हैं ए बी आर ई एफ मीन्स ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई होना चाहिए तो देखिए वही आ गया ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई इंप्लाइज दैट ए बी आर ई एफ ओके तो ए प्लस एफ is equal to b plus e and this implies this implies r is transitive kitna simple hai dekhi and this implies r is an equivalence relation अब अगर R equivalence relation है तो हमें यहां पे बोला गया है कि आपको find क्या करना है थ्री कॉमा फोर का इक्वलेंस क्लास फाइंड करना है आप देखिए यहां पे फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन बस सिर्फ इस क्वेश्चन में उसका है कि जो सिंगल एलिमेंट आते थे उसकी जगह ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं थ्री कॉमा फोर का आपको इक्वलेंस क्लास फाइंड करना है क्या होगा ये आपके पास अभी तक क्या था x था यहां पे एक्स कॉमा वाई होगा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखिए इक्वलेंस क्लास ऑफ a की जब हम बात करते थे तो वो होता था, था x एक्स दैट x बिलोंग्स टू a एंड x आर a अब यहां पे ए की जगह है ऑर्डर पेयर तो यहां पे एक्स की जगह भी ऑर्डर पेयर आएगा सच दैट एक्स कॉमा वाई ये जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए को और एक्स और वाई बिलोंग करेगा ए को और एक्स आर ए होगा ये देखेगा सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों तो ये तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं ये तो अंडरस्टूड है x r a को कैसे लिखेंगे यहां लिखेंगे एक्स वाई आर ए की जगह है थ्री फोर ओके okay, ये ध्यान रखिएगा और अब जो ये इसे तो हम लोगों ने जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज लिखा है ये वाला इसे इसे इरेजी कर देते हैं अब इसमें जो ये एक्स वाई आर थ्री फोर है ये क्या है दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर is equal to y plus three means x और y आपको ऐसे एलिमेंट लेने हैं यहाँ पे x और y ऐसे ऑर्डर पेयर आपको ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट x और y कैसे रिलेट हो कि x plus four is equal to y plus three हो और x और y आएंगे कहाँ से वो आएंगे a से और a क्या है a है आपके पास one two three ten देखिए यहाँ पे a साफ़ दिया हुआ है आपके पास ए इज वन टू थ्री टेन अब यहां से वन टू थ्री टेन से आपको ए में से एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने हैं तो क्या हो जाएगा ये थ्री कॉमा फोर ऑर्डर पेयर का इक्वलेंस क्लास हो जाएगा अब x की जगह वन रखेंगे तो वन प्लस फोर फाइव तो y की जगह टू होना चाहिए तो वन कॉमा टू तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी x की जगह वन प्लस फोर तो y की जगह टू यहां पे x की जगह 2 रखेंगे तो यहां पे 3 हो जाएगा तो 2 कॉमा थ्री थ्री कॉमा फोर इसे इरेज कर देते हैं 4 कॉमा फाइव फाइव कॉमा सिक्स सिक्स कॉमा सेवन सेवन कॉमा एट एट कॉमा नाइन और नाइन कॉमा टेन और टेन कॉमा इलेवन नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास जो सेट ए है वो वन टू टेन है तो दिस इज योर क्लास रिलेटेड टू ऑर्डर थ्री कॉम ओके नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से सेम क्वेश्चन है आपके पास शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट एन क्रॉस एन फिर से एक बार बता देते हैं कि अभी तक आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर या ए वो था अब आपके पास यहां पे एन क्रॉस एन है यहां पे रिलेशन यहां पे रिलेशन होती थी r फ्रॉम n टू n यहां पे रिलेशन है r फ्रॉम n क्रॉस n टू n क्रॉस e n है. n क्रॉस n यहां पे पास आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होते थे a, b such that a b belongs to n and a r b इस बार आपके पास यहां पे क्या होगा यहां पे आपके पास होगा r ab a की जगह इस a की जगह पे ऑर्डर्ड पेयर ए बी इस बी की जगह पे ऑर्डर्ड पेयर सी डी और ये पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन और ये ए बी आर सी डी है देखिए ओके तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस बार आपके पास ये ट्रांसफर है ये इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है अब आपके पास यहां पे क्या है यहां पे आपके पास एबीसीडी बिलोंग्स टू एन जो आपके पास एलिमेंट है एन के वो ए बी सी डी है मीन एन तो आपके पास है ए बी सी एंड डी एक चीज तो ये क्लियर हो गई रिलेशन क्या है ए बी आर सी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जैसा प्रीवियस था नाइनटीन तो यहां पे अगर हम फर्स्ट रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी आर ए बी देखते हैं कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस रिलेशन के स्क्वायर से हिसाब से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये ट्रू होता है एंड इज ट्रू एंड प्लाइज आर इज़ रिफ्लेक्सिव ओके सेकेंड देखें सिमेट्रिक के लिए तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा सिमेट्रिक के लिए हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि लेट ए बी आर सी डी और सी डी आर ए बी हम लोग अगर हो जाए तो ये रिलेशन आ जाएगी तो क्या हम इस रिलेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो देखिए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह आ गया देखिए दिस इंप्लाइज लिख लेते हैं सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं एंड दिस इंप्लाइज सी डी आर ए बी एंड दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक ओके थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव इसमें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन ये आप लिख लीजिएगा ओके okay? हर एक में ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव के लिए लेट ए बी आर सी डी कॉम सी डी आर ई एफ ये हम लोग मान लेते हैं और ए बी आर ई एफ हम लोग को प्रूव करना है ओके okay? तो चलिए दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एड कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसको इससे प्लस सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड दिस सी स्क्वायर सी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर हमें लाना है ए बी आर ई एफ मीन्स ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अब इस फॉर्म में ले आइए इसको तो ये तो इसी फॉर्म में ही है ऑलरेडी तो ये हो जाएगा ए बी आर ई एफ दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव और आर रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है देर फॉर दिस इंप्लाइज आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन तो आज के लेक्चर में बस इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसके एक दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि टोटल कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होती हैं टोटल कितनी सिमेट्रिक रिलेशंस होती हैं ये सब भी बताएंगे और एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड सॉल्व कराएंगे मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किए करें हम लोगों ने क्लास नाइन्थ की वीडियो सीरीज भी शुरू कर दी है तो आपके जो जूनियर्स हैं जो आपके नियर डियर्स हैं आपको अगर हमारा चैनल कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप उनको रिकमेंड करिए हमारा चैनल इससे हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अगर आपको कहीं कुछ कंटेंट्स में लगता है कि इसमें और कुछ हमको इंप्रूव करना चाहिए तो हमें आप लिखिए हम लोग डेफिनेटली उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे विद दैट ऑल थैंक यू